I object, Your Honor. Your Honor, ये लड़की जो कुछ भी बोल रही है सब झूठ बोल रही है। मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल में हुआ क्या था। एक खाली सड़क थी, इस लड़की ने दूर से मेरी इंपोर्टेड कार आती हुई देखी तो उसके मन में एक ख्याल आया, एक आइडिया आया। इसने सडनली अपने फादर को मेरी कार के आगे डाल दिया, इससे पहले मैं सोच पाता इसने अपने फादर को बचा लिया। और उनके फादर को सिर्फ और सिर्फ उतनी ही चोट आई जितनी कि ये लड़की चाहती थी। अकॉर्डिंग टू देम मैं जिस स्पीड से चला रहा था और जिस तरह से इसके फादर मेरी गाड़ी के आगे आए, इसके फादर का बचना इम्पॉसिबल था सर। बट लेट मी टेल यू अगेन, आई वांट टू रिपीट, इनके फादर को चोट सिर्फ और सिर्फ पांव में आई और पूरी बॉडी में कहीं पे भी नहीं, बिकॉज इट वॉज ऑल अ डैम प्लान। झूठ बोल रहा है सर ये। रिलैक्स अंकल, अपनी बेटी को बचाने की कोशिश मत करिए, जो सच है वो सच है। मल्होत्रा जी प्लीज, आपको आपकी फीस मिल जाएगी, सिट डाउन। फिर मैं क्या देखता हूँ कि कुछ देर बाद ये लड़की सीधा मेरी पार्टी में क्रिकेट क्रैश करके आ गई। आई हेट टू से दिस बट इस टाइप की लड़कियां, इन लोगों को मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। ऐसी लड़कियां अमीर लड़कों को पहले फंसाती हैं, उनके दिल में पता नहीं क्या ग्रीडीनेस होती है या प्यार होता है, पता नहीं क्या, आई डोंट नो। बट फिर हुआ क्या, ये लड़की मुझसे आके चिपक गई। वो तो तब, जबकि मैं इसे जानता तक नहीं था। She was just acting like कि मुझे कब से जानती है। जज साहब, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। जज साहब, ये कुछ पिक्चर्स हैं जो उस रात मेरे फोन पे क्लिक करी गई थी। देखिए कैसे लड़की मेरे कितने करीब आने की कोशिश कर रही है। और हैरानी की बात ये है, जो चीज मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वही हुआ। इस लड़की ने मुझसे 10 लाख रुपए की डिमांड की। 10 लाख मैं दे सकता था मैं 10 लाख, बट मैंने दिए नहीं, क्योंकि मैं उसके प्रेशर में नहीं आना चाहता। आई डिड नॉट वॉन्ट टू बजट, मैं एक एग्जाम्पल नहीं सेट करना चाहता था, मैं कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहता था। That's it, Your Honor. अब जो भी डिसीजन आप लेंगे, आपका डिसीजन सराख होगा। झूठ बोल रहा है ये फिर से झूठ बोल रहा है, तीसरी बार झूठ बोल रहा है ये। अंकल, मैं क्यों झूठ बोलूंगा, सच बोल रहा हूँ। सच कहाँ बोल रही हो तुम, झूठ बोल रही हो तुम, बोलो ना, सच बोलो। ऑर्डर ऑर्डर, आप चुप से बैठे रहिए। पापा प्लीज शांत हो जाइए, मैं हूं ना यहाँ पर। और कुछ कहना है आपको? जी हाँ योर ऑनर। योर ऑनर, मेरे पास भी एक प्रूफ है जो मैं आप सबको दिखाना चाहती हूँ। ये सारे फसाद की जड़ तुम ही हो, हाँ? ऐसा काहे बोल रहे हैं? हमने कुछ कुछ नहीं किया है भाई। हम तो एक काली के कहने पे नंदू को नैना का धर्म पिता बना रहे थे बस। तुम्हें नैना का केयरटेकर क्या बना दिया? तुम तो अपनी हद ही भूल गई ना। इतना बड़ा गेम खेला तुमने। उस बेचारी निकिता को फंसाने की कोशिश की। How could you? तुम्हारी वजह से मैंने, तुम्हारे वजह से भाई ने उस बेचारी पर शक किया, तुम्हारी वजह से वो जेल गई, तुम्हारी वजह से एक इनोसेंट लड़की जेल गई, और इसकी वजह से सिर्फ तुम्हारी नहीं, उसकी नहीं, हमारी पूरी कंपनी की बदनामी होगी। How could you? How dare you? अब और नहीं। माई सुनो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, यहां ध्यान दो। माई यहां ध्यान दो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। विश्वास नहीं होता सत्यम, मुझसे इतनी नफरत करती। देखा
अरीना को माई समझकर कितना परेशान कर रही है। क्या मैं इतनी बुरी हूँ सत्या? तेरी शादी मैं इच्छा से